फतेहगढ़ साहिब शहीदी जोड़ मेल पर चढ़ा सियासी रंग, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अकाली दल अमृतसर ने सजाए सियासी मंच। अकाली दल और कांग्रेस के मंचों से एक दूसरे के खिलाफ नेताओं का सियासी हमला, साधे निशाने। पंथक एजेंडे पर अकाली दल का यू टर्न, कांग्रेस पर कौम विरोधी होने के लगाए आरोप, सीएम ने कबूला, धर्म बिना नहीं चल सकती सियासत, कैप्टन का पलटवार, कहा अकाली दल करता आया है धर्म का इस्तेमाल। महेश इंदर ग्रेवाल के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी का पलटवार, बोले मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं, बीएमसी प्रधान के खिलाफ थी शिकायतें, ग्रेवाल भाइयों के सियासत में बैकडोर से एंट्री पर कसा तंज। अबोहर हत्याकांड पर जारी है सियासत, कांग्रेस नेता जगमीत बराड़ ने की मुक्तसर से अबोहर तक दो दिन की यात्रा की शुरुआत, सीबीआई जांच की मांग की। किसानों के मुद्दों के सहारे सियासी ताल ठोकने की जुगत में आम आदमी पार्टी से अलग होकर शुरू हुआ स्वराज अभियान, भटिंडा में किसानों के साथ अभियान के नेताओं ने मुलाकात की है, सफेद मक्खी से कपास की बर्बादी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। कर्ज के बोझ से परेशान मानसा के गांव खारा के किसान ने खुदकुशी कर ली, अपने खेतों में ही लगाया फांसी के फंदे से झूला, परिवार कर रहा है सरकारी मदद की मांग। कुरुक्षेत्र में जाट आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान, कहा पार्टी का स्टैंड स्पष्ट, जल्द होगा जाट आरक्षण का ऐलान। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे बालियान। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी रहे मौजूद। शिमला नगर निगम की पार्किंग को बीजेपी ने बनाया सियासी मुद्दा, नगर निगम पर लगाया पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, विधायक सुरेश भारद्वाज का बयान, निगम के खिलाफ होगा आंदोलन। आतंकी हमलों पर नजर रखने के लिए हाफिज सईद ने बनाए जमात उद दावा की 24/7 साइबर सेल, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी करेगी वेबसाइट, लाहौर में सोशल मीडिया पर की दो दिन की कॉन्फ्रेंस। अनुच्छेद 370 पर फिर छिड़ी बहस, अनुपम खेर ने कहा कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए 370 हटाना जरूरी, कांग्रेस ने कहा कश्मीरियों की मर्जी के बिना कोई भी फैसला नामुमकिन।